हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना, मेंटेन करना, ये सारी ही चीज़ें बहुत बड़ा टास्क होती हैं हम सभी लेडीज़ के लिए। उसी के साथ साथ अपने मंथली बजट को भी कंट्रोल करना बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। घर में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें हमारे मंथली बजट में से कट करना पॉसिबल नहीं होता है, पर अगर हम कोशिश करें तो छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनसे कि हम अपने मंथली बजट को थोड़ा कंट्रोल कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप जो आज की है वो है फ्रिज से रिलेटेड। किचन में काम करते समय फ्रिज में से हम जाने कितनी बार सामान निकालते हैं या रखते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रिज को बार बार खोलना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जब फ्रिज में से बहुत सारा सामान निकालना होता है तो हम एक एक करके उसमें से सामान निकालते हैं और कुछ देर के लिए फ्रिज को इसी तरीके से खुला छोड़ देते हैं। फ्रिज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता है और हमारा मंथली बजट बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमारा जो फ्रिज है वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करें। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पॉइंट नंबर 1 कि फ्रिज में कभी भी कोई भी चीज़ खुली ना रखें, हर सामान को ढक कर रखें, उसमें लिड लगाएं, कवर करके रखें उसको, क्योंकि अगर आप खुली चीज़ें रखेंगे तो उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। और फ्रिज में हमेशा जो भी चीज़ रखें वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, कभी भी कोई भी गर्म चीज़ फ्रिज में ना रखें। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रहे कि फ्रिज में कभी भी ज़्यादा बर्फ़ ना जमे। कई बार देखा है लोगों के फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से उसका जो कंडेंसर होता है वो स्लो काम करता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है। इसलिए हर तीसरे दिन अपने फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करते रहें, जिससे कि उसमें जो भी जमी हुई बर्फ़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, फ्रिज को कभी भी बहुत ज़्यादा सामान से ना भरें। आजकल फ्रिज का यूज़ स्टोरेज बॉक्स की तरह होने लगा है। जो भी चीज़ किचन में ख़राब हो रही होती है या हमें लगता है कि ये ख़राब होने वाली है, उसको हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, जिससे कि फ्रिज में हवा का सर्कुलेशन कम हो जाता है और फ्रिज को इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है। तो जब भी आपको फ्रिज में से बहुत सारा सामान निकालना हो तो हमेशा अपने साथ एक ट्रे लेकर चलें और जो भी चीज़ें निकालनी हैं उन सभी चीज़ों को एक बार में ही आप निकाल लें और उसके बाद फिर फ्रिज को बंद कर दें। तो इससे आपकी बार बार की मेहनत भी बचेगी और आपकी बिजली का बिल भी। तो बिजली का बिल तो कम कर लिया, तो चलिए अब करते हैं गैस की बचत। तो जो गलती मैं कर रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये गलती ज़रूर करते होंगे कि हम लोग सबसे पहले कोई भी, अगर हमें कुकिंग करनी है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो हम गैस जला के सबसे पहले उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं। उसके बाद फिर हमें जो बनाना है सारी चीज़ों को हम ढूंढते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे जो हमारी गैस है वो फालतू में ही वेस्ट होती है। तो हमेशा कुकिंग करने से पहले सारा सामान आप इकट्ठा कर लें। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें डलने वाली हर एक चीज़ आपके काउंटर प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि कुकिंग करते समय आपके किसी भी चीज़ को यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े, जिससे जो गैस जलती है वो वेस्ट होती है। और जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जल जाती हैं, इसलिए हमेशा सारा सामान इकट्ठा करने के बाद ही गैस जलाएं और फिर कुकिंग स्टार्ट करें। इससे आपकी गैस की बचत तो होती ही है और आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी कुकिंग पर होता है, जिससे आपकी कभी भी चीज़ें कोई भी ख़राब नहीं होती हैं, जलती नहीं हैं। तो इस टिप को भी आप ज़रूर फॉलो करें अपने मंथली बजट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट टिप, हम सभी लोग जब भी कुकिंग करते हैं तो जो कुकिंग ऑयल बच जाता है उसको किसी न किसी डिब्बे में भर के रख देते हैं, या कभी ये ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। पर अब आपको इस ऑयल को फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है हम कुकिंग में कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं जिसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी गंदा तेल होता है, जिससे कि वो उन चीज़ों में चिपक जाता है और हमारी जो कुकिंग है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी आपका इस तरीके से कोई भी ऑयल निकले, उसको आप फेंकने की बजाय किसी भी छन्नी से अच्छी तरीके से छान लीजिए। अब अगर हम छन्नी से ऐसे ही तेल को छानेंगे तो जो भी उसकी गंदगी है, क्योंकि गंदगी बहुत ही ज़्यादा महीन होती है, जो कि इस छन्नी से छनकर वापस आपके तेल में मिक्स हो जाएगी। तो वैसे तो आप तेल छानने के लिए किसी पतले से कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ टिश्यू पेपर का, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हम इसको फेंक देंगे। तो देखिए, आप इस टिश्यू पेपर को लगाकर आप इसमें इस ऑयल को डाल दीजिए। तो टिश्यू पेपर में तेल डालते ही स्टेनर में देखिए तेल कितना ही साफ एकदम निकल कर आ रहा है। आपको नीचे बाउल में दिखाई दे रहा होगा कि तेल एकदम वैसे ही निकल आया है जैसे कि जब हम नए तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो तेल जितना साफ होता है उतना ही इस टिश्यू पेपर से छनने के बाद ये तेल साफ हो निकलेगा। तो आप इसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका बिल्कुल भी तेल खराब नहीं होगा और आप इसमें कोई भी चीज़ बनाएंगे वो एकदम वैसे ही बनेगी जैसे कि आप एकदम फ्रेश ऑयल में बनाते हैं।
तो ये देखिए सारा ही तेल छन चुका है और जितनी भी गंदगी है वो सारी ही इस टिश्यू पेपर में आ गई है। अब इसको निकाल कर हम फेंक देंगे तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। तो अब ये ऑयल आपका दोबारा से यूज करने के लिए एकदम रेडी है। तो अब कितना भी गंदा ऑयल है उसको आपको फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आजकल बच्चों के मोस्टली टॉयज ऐसे आते हैं जिनमें बैटरीज जलती हैं और किसी भी टॉय में 2-3 बैटरी से कम नहीं पड़ती हैं। और आप अगर इनको खरीदते हैं तो आपको खुद पता होगा कि एक बार जब हम टॉय में बैटरी डालते हैं तो उसके बाद वो कितने दिन तक चलती है। मेरी बेटी का तो जब भी कोई नया टॉय घर में आता है तो 2-3 दिन तक वो लगातार ही उससे हर टाइम खेलती रहती है, जिसकी वजह से 2-3 दिन के अंदर ही मुझे नई बैटरी उसमें डालनी पड़ती है। तो इस हिसाब से आप सोच लीजिए कि बैटरीज का महीने भर का खर्चा कितना होता है। तो ये देखिए हर टॉयज में इस तरीके से 3 बैटरीज मैंने इसमें डाल रखी हैं और ये जो मैंने बैटरी डाली है ये मेरी चार्जेबल बैटरीज हैं। इनको लिए हुए मुझे कम से कम नहीं तो 5 साल हो चुके हैं और तब से मैं इन्हीं बैटरीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन बैटरीज को हम एक इनका चार्जर आता है उसमें लगाकर इनको चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने के बाद आप इन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा 4 बैटरी का सेट है। इस तरीके से 6-8 या उससे भी ज़्यादा बड़े चार्जर और उनके साथ बैटरीज आती हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैटरीज ले सकते हैं। और मैंने जब से इन बैटरीज को लिया है उसके बाद से मैंने कभी भी किसी भी टॉय में डालने के लिए यूज़ एंड थ्रो बैटरीज का इस्तेमाल नहीं किया है। और इन बैटरीज का इस्तेमाल आप अपनी घड़ी में या रिमोट में भी कर सकते हैं। मैं अपनी घड़ी में इन्हीं बैटरीज को लगाती हूँ या अपने जो टीवी का रिमोट होता है उसमें भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे कई सारे बच्चों के टॉयज या रिमोट्स वगैरह कई ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनमें ये बैटरीज जली रहती हैं और हम उन चीज़ों को रख देते हैं और उसके बाद हम जब महीने भर बाद जब उन चीज़ों को निकालते हैं तो जो बैटरीज हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी टॉयज में या कोई भी आपका गैजेट है उसमें बैटरीज को डालकर मत छोड़िए, इससे आपके गैजेट के भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनको में से बैटरीज को निकाल कर रखिए या फिर बैटरीज को उल्टा लगा कर रखिए, इससे आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज नहीं होगी और आपका गैजेट भी ख़राब नहीं होगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिना एसी के तो रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और सिर्फ एसी की वजह से गर्मियों में हमारा बिल डबल ट्रिपल हो जाता है। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि गर्मी के मौसम में आप एसी ना चलाएं, पर अगर आप एसी को सही मोड पर और सही टेम्परेचर पर चला रहे हैं तो आप इतने से ही अपने बिल में काफ़ी अंतर देख सकते हैं। एसी को कभी भी 24 टेम्परेचर से नीचे ना रखें और हमेशा अपने मौसम के अकॉर्डिंग ही उसमें मोड लगा कर रखें। जैसे हमारे यहाँ आजकल ह्यूमिडिटी चल रही है तो अभी मैंने इसको ड्राई मोड पर लगा कर रखा है। दूसरी चीज़, मैंने अपने घर में हर रूम के डोर के नीचे इस तरीके के डोर गार्ड लगा कर रखे हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे एसी की जो कूलिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेरा एसी पूरी रात नहीं चलता है, मैं उसको 9 बजे ऑन करती हूँ और रात को 12 बजे तक मैं उसको बंद कर देती हूँ। ये इस तरीके के डोर गार्ड आते हैं जिनको आप अपने डोर के नीचे जो थोड़ा सा स्पेस होता है उसके नीचे अगर लगा देंगे, उसके बाद जब एसी चलता है और आप रूम बंद करेंगे तो रूम बंद करने के बाद जो अंदर की जो कूलिंग होती है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है, जिसकी वजह से एक बार अगर आपका रूम ठंडा हो गया और रूम अगर आपका बंद है तो पूरी रात आपके रूम में कूलिंग रहेगी। और इन डोर गार्ड के इस्तेमाल से आपके घर में डस्ट भी नहीं आएगी, तो ये डोर गार्ड आपको डबल बेनिफिट देंगे। तो ये देखिए इन्हें लगाने के बाद ये दोनों तरफ से ही आपके गेट को कवर करते हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपके कमरे में कूलिंग भी ज़्यादा रहेगी और आपको एसी भी पूरी रात चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके बिल में भी काफ़ी बचत होगी। इसी के साथ एक छोटी सी टिप मैं और देना चाहती हूँ। आप लोग जहाँ पर भी एसी चलाते हैं या फिर रात को सोते समय आपके रूम में जब एसी चलता है तो अपने रूम में एक पानी से भरा हुआ बर्तन ज़रूर रखें, क्योंकि एसी की वजह से हमारी बॉडी का सारा ही मॉइस्चर एसी एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो दोस्तों बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले और वीडियोस को भी आप देख सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।